हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल गाइस। तो आज है, यहाँ पे देख सकते हैं, बस यौरा हम लोग मनाते हैं आज। क्या बोलते हैं, कल मैंने मनाया सत्तू, क्या बोलते हैं उसको, सतुवानी। गाइस मेरे मायके में ये सब नहीं होता है, बट यहाँ पे झारखंड, सॉरी बिहार में होता है गाइस, मेरे ससुराल में। तो झारखंड में नहीं होता है मेरे मायके में, और यहाँ पे ससुराल में देखिए क्या क्या पर्व होता है, मनाया जाता है। तो मैं यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सीख गई हूँ। तो एक दिन पहले सतुवानी का पर्व मनाया गया, और ठीक उसके सुबह सुबह मॉर्निंग में बस यौरा मनाया जाता है। उसको जुड़ शीतल भी कहा जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में सवेरे सवेरे सासू माँ और जो भी बड़े लोग हैं, वो बासी पानी जो होता है ना, ठंडा वाला जो ओस में पानी रहता है, वो पानी सबके सर में ला के देते हैं और कहते हैं कि जुड़ाया रहता है, जुड़ावल रहा से जुड़ावल रहा। तो मतलब उसके बाद खाना में मतलब ज़्यादा डिश बनता है आज के दिन, जितना ज़्यादा डिश बना सकते हैं। और चूल्हा को पूजा जाता है कि हमारी अन्नपूर्णा माता ऐसे ही सालों साल हमारे घर में अन्न धन भरा रहे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत सारा डिश बनाई हूँ, जैसे कि आपने मेरी प्लेट में देखा होगा, चावल दाल और सोहजन का तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सोहजन। तो चावल दाल, सोहजन की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, आलू बैंगन और टमाटर वगैरह, बहुत सारे चीज़, प्याज के पकौड़े, बहुत सारे मैंने पकौड़े बनाए। और लास्ट में मैंने यहाँ पे दही चीनी भी मैंने खिलाया भगवान को। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पूजा कितना अच्छा से संपन्न हुआ गाइस। तो मैंने ये चीज़ ना बिहार में आकर के ये सब कुछ सीखा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे मायके में ये सब कुछ नहीं होता था, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था, और यहाँ ससुराल में आने के बाद मैंने ये सब कुछ सीखा है, किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गैस चूल्हा में मैं खाना बनाती हूँ, इंडक्शन पे बनाती हूँ, तो मैं उसको भी पूज सकती थी, उसका भी पूजा कर सकती थी। बट जो जिस चूल्हा का आज पूजा होता है ना, उस चूल्हे पे आज खाना नहीं बनता गाइस। तो मैंने इसीलिए गैस चूल्हे पे ना करके मैंने मिट्टी के चूल्हे को पूजा किया है, क्योंकि इस चूल्हे पे भी मैं कभी कभी बना लेती हूँ। कभी कभी मतलब गैस ख़त्म हो गया या फिर नॉनवेज ही बनाना हो तो मैं यहाँ पे कभी कभी बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसी चूल्हे का पूजन किया है गाइस। तो देख सकते हैं, सबसे पहले गंगा जल से मैंने चूल्हे को स्नान कराया, उसके बाद सिंदूर लगाया, भोग लगाया, उसके बाद अगरबत्ती दिखाया और प्रणाम किया गाइस। देख सकते हैं मेरा चूल्हा।